हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाभगवन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत गल्य श्रवण कर रहे थे, कहते जो जीव का है कहते मानव का कहते दो तरह का प्रकृति है। मानव प्रकृति को कहते दो तरह के विभाजित किया है। क्या क्या है कहते एक है बोलो क्या क्या है बोलो। दो तरह का प्रकृति को भाग किया गया है। क्या क्या है दो तरह का कहते एक वैद्य है और एक रागानुगा है। कहते ये दो तरह का है। इसलिए कहते कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे बोले जब तक मानव की बुद्धि माया के अधीन रहती है, हमारी बुद्धि जब माया के अधीन में रहते ही उसी समय में जो जीव का जो प्रकृति वैधि वैधि मतलब विधि शास्त्र के जो नियम कानून बताया गया नहीं ऐसे चलनी चाहिए ऐसे नहीं चलनी चाहिए हैं गंदे रास्ता पर नहीं जानी चाहिए सही रास्ता पर चलनी चाहिए हमें इसलिए इसको कहते हैं वैधि। लेकिन जब मानव का जो प्रकृति कहते जब माया के अधीन नहीं रह करके जब ये माया के माया से मुक्त हो जाता है कहते उसी समय में मानव का जो बुद्धि रागानुगा हो जाता है। रागानुगा मतलब होता है स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति ये मन अपने आप चलना उसको बोलने का जरूरत नहीं। जैसे अभी साधारण रूप में बद्ध जीव का मन कैसे है हम भजन करने के लिए बैठने पर भी मन अपने आप माया में चल जाता है उसको चलन का जरूरत नहीं। आँख बंद करते ही और ये दुनियादारी सब चीज़ देखने लग जाती है लेकिन भगवान ही नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि अपने आप भगवान के प्रति अपने आप स्वतः अपने आप चलने लग जाए इसको कहते हैं रागानुगा प्रवृत्ति है ये रागानुगा प्रवृत्ति है। लेकिन गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो ब्रजवासियों का जो प्रकृति है उसको कहते हैं रागात्मिका। ये ब्रजवासियों का
ये वृत्ति है। रागात्मक से आत्मा में ही भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में जिनके आत्मा में अनुराग है ये है। लेकिन कहते खैन मुख अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से जीव रागानुगा हो पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धीरे 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 साधन भजन करता है, जितना परिवार में हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना परिवार से क्या होगा, ये माया हमसे हटेगी। और उतना परिवार से हमारी जो वृत्ति धीरे 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 भगवान के प्रति ये धीरे 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 आगे बढ़ेगी, हमारी प्रवृत्ति वो आगे बढ़ेगी हैं। कहते ये उसको कहते जिस समय हम जैसे खैर वो अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से जीव रागानुगत हो जाता है। जब धीरे 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 हमारी प्रवृत्ति माया की प्रवृत्ति धीरे धीरे हटने लग जाएगी और भगवान के प्रति चलने लग जाएगी, उसको रागानुगत उसको रागानुगत हो जाता है। जीव के लिए ये अवस्था बड़ी उपाधि है। कभी जो रागानुगत जो वृत्ति है कभी जीव के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत सौभाग्य में किसी व्यक्ति का मन अपने आप प्रभु के चरण में अपने आप लगते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है कृष्ण कहते सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुनि है। और जो करोड़ों करोड़ों में ऐसे एक व्यक्ति विरल व्यक्ति होते हैं जिनका बुद्धि अपने आप प्रभु के भक्ति में अपने आप चल पड़ी, ये व्यक्ति बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है। कहते जब तक ये अवस्था उपस्थित नहीं होता है तब तक हमारे जो मानव का जो बुद्धि कहते ये अनुराग माई की वस्तु में रहती है। जब भगवान के प्रति नहीं हो करता हमारी माई की वस्तु ये संसार की वस्तु का प्रति हमारी मन स्वाभाविक रूप में इसी में लग रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बोले निसर्ग। क्या कहते हैं? निसर्ग। किसको कहते हैं? बदला हुआ स्वभाव। ये चीज समझो, नैमिति जैसे किसी को निमित्त करके जैसे बर्फ जैसे पानी जैसे ये बर्फ हो जाना, पानी जैसे ये बर्फ हो जाते हैं, ये नैमित्त जो उसका बदला हुआ स्वभाव है। हमारा सही स्वभाव क्या है? भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही हमारे स्वभाव के कारण है। लेकिन जब जीव भगवान को भूल करके ये माया में ही जीव जब लपट जाता है, ये माया में ही बद्ध हो जाता है, ये माया की वस्तु को धीरे धीरे स्मरण करने लग जाता है, कभी ये क्या है, कभी ये हमारे बड़े दुर्दिन, कभी ये हमारी अच्छी अवस्था नहीं है। इसलिए कभी ये जो मूढ़ जीव माई के विषय में अनुराग ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझ में भूल करता है। लेकिन जो संसार की जीव मूढ़ मतलब जो मूर्ख है कहते वो लोग क्या करते हैं, मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं, कहते ये लोग हैं, कहते जो मूढ़ व्यक्ति कहते ये संसार की वस्तु का प्रति जो उसका अनुराग है ये इसको ही अपना स्वभाव मान बैठे हैं। लेकिन प्रभु का प्रति जो प्रेम है ये चीज को तो जीव भूल गया। ये वस्तु तो बड़े दुर्लभ है लेकिन अभी ये जीव संपूर्ण भूल करके माया की वस्तु में ही प्रेम करते हुए यही मेरी कर्तव्य है, ये हमारी कर्तव्य है। लेकिन तुम्हारी ये कर्तव्य है कि तुम्हारी कर्तव्य तो प्रभु को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही ये तुम्हारी कर्तव्य। लेकिन असली कर्तव्य को छोड़ दिए और नकली कर्तव्य को हमने पकड़ लिया है। इसलिए यहाँ कहते हैं बोले चीत विषय का स्वभाव की विशुद्ध अनुराग उस समय भी नहीं होता। इसलिए जिस समय जो विशुद्ध जो अनुराग है भगवान के प्रति उस समय जीव का अंदर नहीं होता। इसलिए कहते हैं माया में क्या होता है, हम लोग कल सुने थे मैं और ये मेरा। कभी ये जो दो अभिमान करिए यहाँ पर दो अभिमान बड़े गार रूप में काम करता है। क्या है दो चीज, मैं और मेरा। इसलिए गोस्वामी जो मैं मेरा ते तेरी ये माया, मैं मेरा ते तेरी ये माया है। इसलिए कहते यह देह मेरी है, देह किसकी है, ये मेरी देह है और ये देह ही मैं हूँ, ये देह मेरा और ये देह ही मैं हूँ। इसी बुद्धि के द्वारा इसी जड़ देह के सुखदायक व्यक्ति और वस्तु के प्रति प्रीति तथा
सुखदायक व्यक्ति ही वस्तु के प्रति द्वेष सहज ही हुआ करता है। कहते हो मैं और ये मेरा, ये जो ये बुद्धि से क्या होता है, जब ये जड़ शरीर को जो सुख देता है, हैं कि जड़ शरीर को जो सुख देता है उसको प्रति क्या होता है, स्वाभाविक रूप में उसको प्रति हमारी प्रेम होता है। अरे ये हमें कितना आनंद दिया, कितना प्रीति दिया, क्योंकि ये जड़ शरीर के प्रति, लेकिन जो आत्मा को प्रति जो आनंद देने वाला व्यक्ति है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो जड़ शरीर में हम बंधे हुए, ये जड़ शरीर को जो सुख देगा, हम सोचते हैं भैया ये व्यक्ति मेरे सही दोस्त हैं। लेकिन जो भगवान के प्रति जो हमें प्रेम देने वाले, उसको हम सही उसका सही चीज, हम सही दोस्त उसको नहीं समझते, बल्कि कभी कभी उसको हम शत्रु मान बैठते हैं, उसका हम शत्रु मान बैठते हैं। कट नहीं, ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है, लेकिन ये शरीर को जो सुख देता है, कहते ये व्यक्ति हमारे सही व्यक्ति है। और जो प्रभु की भक्ति के तरफ ले जाए ना, भले ये व्यक्ति गलत आदमी है, ये हर समय हमें हमारे बुद्धि को उल्टा रास्ता में ले जाता है, ये हमें उल्टा रास्ता में ले जाते हैं, जो हमें भगवान की भक्ति की तरफ ले जाते हैं। कहते ऐसे व्यक्ति जैसे हिरण्यकश्यप है, हाँ हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद भक्ति के बारे में बताता था, हैं बोले पिताजी ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति भजन साधन करते ही सही मार्ग है, इसलिए पिताजी गृहांत गुभम, कभी ये माया रूपी संसार से निकल करके जो व्यक्ति भगवान के चरण में साधु संग के द्वारा प्रभु के चरण में अपना मन को लगा, तो पिताजी ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ विद्या है। वाह, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, बोले सब गंदा काम कहाँ सीख गया, ऐसे उल्टा पुल्टा काम कहाँ से सीख गया। लगता है कोई वैष्णव आकर के ना हमारे बेटा का बुद्धि खराब कर रहा है। ये तो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, इसको तो कुछ अच्छा बुरा कुछ ज्ञान है। बच्चों को देखना, अब जो सिखाओगे ना बच्चे वही सीखेंगे, जो सिखाओगे वही सीखेंगे। लगता है कोई वैष्णव गुप्त रूप में आता है छुप करके, और आ करके मेरा बच्चा का बुद्धि को खराब करता है, हैं बुद्धि को खराब करता है। सांडा अमर का प्रहलाद मुरत निधरा, भले तुम सही सही ये बताओ, सही सही बताओ, तुमको ना लड्डू देंगे। जैसे हम बच्चों को लोग दिखा कर कोई बात पूछते ना, तेरे को हम लड्डू देंगे, बता दिए बात को, बोले तेरे को हम मोदी कर देंगे, लड्डू देंगे, बताओ तो तेरे बुद्धि को किसी ने खराब किया। तब उन्होंने बोले मेरे बुद्धि को हैं भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति है, वो अपना द्वारा भी नहीं होता है, दूसरों के द्वारा भी नहीं होता है। मेरी जो प्रभु की चरण में प्रीति, ये नैसर्गिक थी, ये स्वाभाविक रूप में, मेरे किसी ने सिखाया नहीं। क्योंकि जब उन्होंने मातृगर्भ में प्रहलाद था, उनका गुरुदेव नारद जी 60,000 साल तक उनको कथा सुनाए, 60,000 साल तक कथा सुनाए, उनने कथा सुनते 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 माँ की पेट में बैठ कर के कथा सुनते 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 पूरा पूरा कृष्ण चरण में उनकी अनुराग लग गई, कृष्ण चरण में इनकी भक्ति हो गई। इसलिए कहते हैं, कहते ये शरीर को जो सुख देता है, कहते उसको अपना सही मानता है, शरीर को जो सुख नहीं देता उसको अपना द्वेष मानता है। क्यों? ये शरीर में आ सकती है, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारी बुद्धि दिलाई, उसको सोचते ये हमारी शत्रु है, हैं ये हमारी शत्रु है। इसलिए कहते इसी राग द्वेष के वशीभूत होकर के मूढ़ जीव दूसरे के प्रति शारीरिक सामाजिक और नैतिक प्रीतियाँ विद्वेष प्रकट कर उसे शत्रु मित्र जानता है। क्या करता है बद्ध जीव का, कहते कितना बद्ध जीव का जो दुर्दशा, मतलब उसकी जो बुरा अवस्था को यहाँ पर बताते हैं। कहते ये शरीर को जो है, कहते इसी राग द्वेष का वशीभूत होकर के, कहते राग और द्वेष में जीव क्या होता है, इसी में ही वशीभूत होकर के मूढ़ जीव क्या करता है, दूसरे के प्रति शारीरिक और सामाजिक और नैतिक प्रीति या विद्वेष प्रकट कर उसे शत्रु मित्र जानता है। विषय के द्वारा विवाद करता है, कनक और कामिन में मिथ्या प्रीति करके सुख दुख के अधीन हो पड़ता है। इसलिए जीव क्या करता है, कहते हम लोगों का अवस्था क्या है, कहते कनक कामिन मतलब पैसा प्रतिष्ठा स्त्री में
उसको प्रति आसक्ति होकर के उसमें जीव क्या करता है, जीव इसी में ही आबद्ध हो जाता है, आबद्ध होकर के बस इसे माया में ही जीव उसमें ही भटकता हुआ रहता है। क्यों? ये शरीर का प्रति मैं और मेरा ये बुद्धि होने का नाते बस इसी में ही जीव रमण करता है। इससे ऊपर कोई वस्तु है, भगवान कोई वस्तु है, ये चीज को जीव को पता नहीं चलता है, हैं? पता नहीं चलता है। कहते इसी का नाम है संसार। हम लोग कहते ना भैया हम तो घर गृहस्थ में पड़ गए, हम कहते ना हम लोग तो संसार में पड़ गए, कहते ना हम लोग तो संसार में हम पड़ गए, हम कभी कहते हम तो माया में पड़ गए, भैया हम तो संसार में पड़ गए। संसार मतलब क्या है? संसार किसको कहते हैं? बोले संसार कहते हैं, कहते सम्यक रूप में सरति, मतलब है हर समय जो हमसे अलग होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पिता माता थे, गए कहाँ? अभी है क्या? नहीं, पर गए कहाँ? अगर वो होते तो गए फिर क्यों, हमसे अलग क्यों हुए? और अभी जो वस्तु है वो भी धीरे धीरे हमसे अलग होते जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे हमसे अलग होते जा रहे हैं। जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, संसार मतलब क्या, जो हमसे हर समय धीरे 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 हमसे अलग होते, सबके सब गए, एक दिन हम भी जाएंगे, हैं? एक दिन हम भी जाएंगे, जाना पड़ेगा संसार। इसलिए इसको कहते हैं ये संसार है, हैं? संसार मतलब सम्यक रूप में सरति, जो हमसे हर समय अलग होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं इसको ही कहते हैं संसार है, ये शरीर के प्रति मैं मेरा बुद्धि करके इस संसार में जो भटकते हुए रहते हैं। इसलिए इसी संसार में आसक्त होकर जन्म मरण कर्मफल उच्च नीच अवस्था लाभ कर मायाबद्ध जीव भ्रमण करते हैं। इसलिए कहते हैं संसार में आसक्त होकर क्या कहते हैं, हम जन्म लिए हैं, फिर एक दिन हमको मरना पड़ेगा, फिर जैसे इसी जीवन में जो कर्म किया अगले जीवन में वो कर्म का फल लेकर के फिर अगले जीवन में जाना पड़ेगा, फिर क्या होता है, फिर कभी ऊंचा जन्म फिर कभी नीचा जन्म है, हैं? इसलिए हमारे एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रेम विवर्तन, वहाँ पर श्री जगदानंद पंडित ने एक ग्रंथ लिखा है, मतलब कृष्ण को भूलने के बाद जीव का क्या स्थिति होता है, हैं? कभी कर्म फल में कोई स्वर्ग में जाकर देवता बन जाते, कभी कर्म में अधीन होकर कभी नरक में जाते, कभी स्वर्ग में चाहे कभी नरक में जाते, कभी राजा बन जाते, कभी प्रजा बन जाते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं। ऐसे ही हम ये 84 लाख जीवन में हम माया के संसार में हम भटकते रहते हैं। इसलिए मायाबद्ध जीव भ्रमण करते हैं, इन जीवों का चिदानुराग सहज नहीं जान पड़ता, लेकिन ये जो संसार में जीव भटकता है, जो भगवान के प्रति जो अनुराग है, इनके सौभाग्य में नहीं होता, ये संसार में ही भटकता रहता है। इसलिए चिदानुराग क्या चीज है इसकी भी उन्होंने उपलब्धि नहीं होता, क्योंकि जीव संसार में भटकता है। इसलिए भगवान के प्रति जो प्रीति होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए, जीव को ये सहज में पता नहीं पड़ता है। इसलिए आहा चिदानुराग ही जीव का स्वधर्म और नित्य प्रकृति, इसे भूल करके जड़ानुराग में विभोर होकर चित कर स्वर्ग जीव अधोगति की भोग करता है। संसार में प्राय सभी जीव इसी दुर्दशा को दुर्दशा समझते नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जीव का स्वभाव की धर्म क्या है, बोले भगवान के प्रति प्रेम करना, यही है। लेकिन इसको जीव संपूर्ण रूप में भूल गया, भूल करके अभी अपना प्रकृति को क्या समझता है, बोले ये संसार करना ही, और अपना ये दुनियादारी में ही मन को उसी में रमाना ही हमारी लगता है, यही शायद हमारे धर्म है, हैं? धर्म है। कहते ये जो जीव है ये संसार में जो हम पड़े हुए माया में, लेकिन ये जो हमारी स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है, लेकिन जीव इसको खराब स्थिति नहीं समझते, समझते यही हमारी सही स्थिति है, यही हमारी सही स्थिति है। लेकिन जीव का ये सही स्थिति नहीं, ये जीव का अत्यंत अत्यंत गिरा हुआ स्थिति है, गिरा हुआ स्थिति है। लेकिन फिर सही स्थिति में कब आते हैं, जब फिर भक्तों का हम संग करते हैं, भक्त संग से
जब फिर धीरे 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 जब पता चलता है भैया जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब भगवान की संतान हैं, उनको भूलने की वजह से संसार में आए, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति, भगवान की चरण में हमारी अनुराग, प्रभु की चरण में हमारी प्रेम होनी चाहिए। मतलब एक समय कृष्ण सुदामा जब उज्जैन पढ़ने के लिए गए थे, जब पढ़ने गए थे एक दिन सुदामा का पता चला जो मेरे जो कृष्ण जो दोस्त है ना, ये भगवान है, ये भगवान, और ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये जीव पर नाक में ना रस्सी लगा करके ये माया की संसार में भगवान जीवों को ये चक्कर कटवाते हैं, हैं? इसको संसार की संसार में दुखों कष्ट देते हैं, इसका जो माया ये बड़ी विचित्र है, ये माया को पार होना बड़ा कठिन, भगवान की माया। कभी सुदामा सुने, एक दिन कृष्ण सुदामा दोनों जा रहे थे अपना नहाने के लिए, जब नहाने के लिए जा रहे थे सुदामा बीच में कृष्ण से पूछा, बोले कृष्णा मैंने सुना है तुमने ये सारा दुनिया को माया को तरह नचा रहे, जैसे बंदर को नचाते ना, देखे बंदर नाच देखे हो, हाँ बंदर को जैसे नचाते हैं, कि तू ऐसे ही जीवों को संसार में माया रूपी संसार में बंदर को जैसे नचाते ऐसे नचा रहे हो, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा माया दिखा दोगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं तुमको दिखा दूंगा। अभी कृष्ण सुदामा जा रहे थे स्नान करने के लिए, जब समुद्र में दोनों डुबकी लगाई ना, इतने में बड़ी तेज से लहरी आई और ऐसे झपटा मारा, कृष्ण के हाथ से सुदामा जी का हाथ अलग कर दिया, अलग करके पानी में तैरते ही डूबते हुए तैरते डूबते हुए पता नहीं कहाँ वो चला गया। जब चला गया थोड़ी देर बाद में होश आया, जब उसको होश आया ना, देखा समुद्र किनारे में लगा हुआ और देखा सुंदर एक राजमहल, और राजमहल से एक सुंदर राजकन्या अपना हाथों में एक सुंदर फूल की माला लेकर के आई और सुदामा जी के गले में उन्होंने पहना दिया। पहना करके बोले देखो सुदामा आज से तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और ये जो राजभवन है ये हमारी अपना भवन है। तो उन्होंने दोनों राजभवन में प्रवेश किया, प्रवेश करते हुए बास बड़े आनंद पूर्वक सुदामा और राजकुमारी बड़े आनंद पूर्वक रह रहे, ऐसे करते करते कुछ उनके बच्चे भी हुए। जब बच्चे हुए एक दिन सुनामी आई, फिर सुनामी आई तो, और ऐसे सुनामी आई पूरा का पूरा उन्होंने डुबा दिया राजमहल को। जब डुबा दिया इतने में देखा उसका जो छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उसको सामने एक 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 डूब डूब करके मर रहे, और वो कोशिश कर रहा था बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन बच्चों को बच्चा नहीं पा रहा था, हैं बच्चा नहीं पा रहा था, एक एक करके एक डूब करके मर रहे थे। जब एक बच्चा डूब करके मरता है उसको छाती फट जाता है, हैं कितने बच्चे हमारे कितने प्यारे होते हैं, देखते देखते सारे बच्चे खत्म। इतने में अपना पत्नी को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो अपना पत्नी को भी बचा नहीं सकी, देखते देखते पत्नी भी वहीं पर डूब करके मर गई। सुदामा देख करके इतने दुखी हो रहा था, हाँप रहा था, दुखी हो रहा था, मेरे बच्चे भी गए, मेरे प्राण प्यारे, पत्नी भी चली गई, हैं पत्नी भी चली गई, बड़े दुखी हो रहे थे। इतने में हठात कहीं से लहरी आई और ऐसे उसको मारा, पता नहीं वो बेहोश हो गया, बेहोश होकर के वो कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं चला। फिर देखता है थोड़ी देर बाद में कृष्ण सुदामा दोनों पानी में डुबकी लगाए थे, और डुबकी लगा करके ना देखा कृष्ण का हाथ पकड़ कर सुदामा फिर पानी से उठे। जब उठे इतने में सुदामा कृष्ण को देख करके बोले ये क्या, कृष्ण ने देखा सुदामा हाँप रहा था, बोले भैया तू हाँप रहे हैं तो क्या हो गया, बोले कृष्ण मैंने क्या देखा है, बोले क्या देखा, बोले मैंने देखा मेरी शादी हो गई और राजमहल में राजकुमारी को साथ में हम रह रहे थे, मेरे कुछ बच्चे हुए और सुनामी आई तो एक एक बच्चे सबके सब डूब कर खत्म हो गए, और लास्ट में मेरी पत्नी भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, मैंने सब क्या देखा है, मैंने सब क्या देखा। इतने में कृष्ण ने कहा सुदामा तू मेरे को बोला था ना मेरी माया देखने के लिए, तूने बताया था ना मेरी माया बड़ी है, बड़ी ठगनी है माया, माया बड़ी विचित्र है, तुमने बोला था ना मेरे को माया दिखाने के लिए,
उनने डूबे और निकलते, डूबे और उठते कि क्या हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, रात बसात में रहे और देखते देखते बच्चे भी खत्म हो गया। अरे बस माया देख लिया कि नहीं माया तुमने? बोले हे भगवान, तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, तुम्हारी माया तो बड़ी विचित्र माया है। कहते उसी तरह जो जीव है हैं, ये संसार शरीर में मैं और ये मेरा बुद्धि करके, ये शरीर को ही सब कुछ मान करके जो काम करता है ये माया है। लेकिन जब इस शरीर से उठ करके जब भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा की जो स्वाभाविक जो प्रेम है, अगर ये जो वस्तु है कहते ये यही जीव का चित्त प्रवृत्ति है, रागानुगा प्रवृत्ति, और ये जो प्रवृत्ति ये जीव को बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को ये प्राप्त होता है जे हम भगवान के संतान सेवक है और उनका भक्ति करना ही हमारी धर्म है। ये जो प्रवृत्ति कहते बड़े सौभाग्यवान को ये वस्तु प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग जो मंगलारती दर्शन करने आते, तिलक कंठी माला और भजन करते हो ना, बड़े भाग्यवान से ये जीव, यही अभी हम धीरे 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 क्या हो रहे हैं, हम जितने परिमाण से भक्ति कर रहे हैं वो माया उतना परिमाण से हमसे हटते जा रहे, माया हटते जा रहे, जितने परिमाण से हम इधर जा रहे हैं उतना परिमाण से इधर दूर होते जा रहे, जितने भक्ति तरफ में बढ़ रहे इधर उतना दूर होते जा रहे। एक दिन ऐसे करते 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 क्या होगा, हमारी जो रागानुगा प्रवृत्ति आएगा। रागानुगा प्रवृत्ति मतलब जो नहीं चाहने पर भी मन भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में चले हैं, नहीं चाहने पर भी मन अपने आप प्रभु के भजन का तरफ में चले, मठ में नहीं आए रह नहीं सकते, हरिनाम नहीं करते हुए हम अच्छे नहीं लगेगा, मंगल आरती में नहीं आए तो लगेगा आज हमने सिर्फ दिन भर कुछ किया ही नहीं, अगर यही से भावना अगर आने लग जाए ना, फिर समझना तुम्हारी ये रागानुगा प्रवृत्ति। ये कौन सा प्रवृत्ति? हाँ ये रागानुगा प्रवृत्ति। कहते अगर ये भाव आ गया ना, बात समझो तुम्हारी काम ही बन गया, तुम्हारी काम ही बन गया हमारी। और यही स्थिति को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो साधन भजन हम, इसलिए हम सबके सब साधन भजन कर रहे हैं। कहते रागात्मिका प्रकृति प्राप्ति की बात दूर रहे, कहते मायाबद्ध जीव रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित होता है। इसलिए यहाँ पर बताए एक रागात्मिका और एक रागानुगा है। कहते रागात्मिका मतलब जिनके आत्मा में ही भगवान के प्रति स्वाभाविक राग है। कहते ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं जो भगवान की नित्य परिकर है, जैसे ललिता विशाखा चंपकलता सुबल दाम वसुदाम जसुदा मैया। कहते ये सब के सब रागात्मिका इनका प्रकृति है। लेकिन कहते ये रागानुगा किसको कहते हैं? कहते उनको भाव को प्राप्त करने के लिए जो उनको धीरे 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 जो अनुसरण करते वो भाव एक दिन हमारे हृदय में प्रकट हो। इसलिए कहते मायाबद्ध जीव रागात्मक की बात को छोड़ दो, कहते रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित है, हैं वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी जीव, इसलिए चीज को भी जीव नहीं जानता है। इसलिए कभी कभी साधुओं की कृपा से जीवों के हृदय में रागानुगा प्रकृति का उदय होता है। कहते कब हमारे हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम कब आएगा? कहते साधुओं की कृपा से ही। जब हम कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जब हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत जब हो जाए, भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब क्या है, जैसे भगवान के लिए पहले हमने कभी तुलसी परिक्रमा किए, ठाकुर को भोग लगाए, हमने साधु संतों की कभी हमने सेवा की है, हैं हमने सेवा की, कभी धाम में गए, ये साधु भगवान और भक्तों के प्रति पहले जो हमने कुछ जो किया हुआ है इसको कहते हैं ये सुकृति। कहते इसकी फल स्वरूप क्या होता है, जीव को ये साधु संग प्राप्त होता है, हैं इसका फल स्वरूप जीव का साधु संग प्राप्त होता है, नहीं तो साधु संग में सहज में नहीं आ सकते। आप बताओ बड़ौते में कितने लोग, आप कितने लोग आते हो, क्यों दूसरे क्यों नहीं आ पाते, आप क्यों आए? कारण नहीं, आपकी पूर्व जन्म का सुकृति है, पूर्व जन्म में आपकी ये सुकृति है। इसलिए सुकृति होने का वजह से ही
कहते वही सुकृति ही क्या कि आपको धीरे 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 यहाँ तक ले आए। इसलिए कभी कभी साधुओं की कृपा से ही जीव का हृदय में ये रागानुगा प्रकृति का उदय होता है। इसलिए रागानुगा प्रकृति विरल और दुर्लभ है, संसार उसी प्रकृति से वंचित है। कि जो भगवान के प्रति स्वाभाविक जो अनुराग है रागानुगा प्रकृति कहिए बहुत बहुत दुर्लभ है बहुत। इसलिए जीव ये वस्तु से जीव वंचित है, संसार के लोग इस चीज से वंचित है, किंतु भगवान सर्वज्ञ और कृपामय, भगवान कभी ये सब जानते हैं और भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। इन्होंने देखा मायाबद्ध जीव चित्त प्रबुद्धि से वंचित हो गया। हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठाकुर जी के हम बच्चे हैं। इसलिए हर पिता माता क्या चाहते हैं, बच्चे हमारे अच्छे बने, अच्छे बने, यही चाहते हैं ना, बच्चे लिखा पढ़ा सीखे, अच्छे बने, काम धाम करे, नौकरी चाकरी करे, और हर पिता माता यही चाहते हैं। लेकिन हमारे पिता माता कौन है, भगवान, हम की बच्चे हैं। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं, हमारी कल्याण हो, हमारी उद्धार हो, हमारी मंगल हो। हमारी मंगल किस में है, हमारी मंगल किस में है, जब भगवान के चरण में शरणागत होंगे, जब भगवान की चरण की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। क्योंकि भगवान कौन है, वो सच्चिदानंद रूपाय, वो अखिल रसामृत मूर्ति, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, और हम उनके बच्चे हैं। बच्चे होने का नाते पिताजी की संपत्ति में हमारे अधिकार है। लेकिन अभी क्या हुआ, हम ऐसे बच्चे बने जो पिताजी की बात को नहीं सुने, हमने बोला आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम तो अपना मनमानी करेंगे। भगवान बोले मनमान करोगे, जा ठीक है, तू जा मनमान कर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मनमान करके इस संसार में आ गए और यहाँ पर दुख का सुख आने हैं। इसलिए एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय कोई बहुत कोई राजा था, कहते राजा उसका बेटा था। राजा बोलता था बेटा तू अपना मन लगाओ पढ़ाई लिखाई में, काम मन लगाओ और अपना काम धाम कर। लेकिन बच्चा बात नहीं सुनता था। जब उन्होंने बच्चा बात नहीं सुना, पिताजी ने डांट लगा दिया। जब डांट लगा दिया बच्चे को बड़ा चोट पहुंचा। बच्चा ने क्या किया, राजा को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया। पिता को छोड़ करके जब पिताजी के पास में रहता था, राज भोग संपत्ति, राज ऐश्वर्य भोग करता था। लेकिन जब पिताजी को छोड़ दिया, अभी क्या करेगा, दुखी होगा, अब जो खाना कहाँ से मिलेगा। अब जा करके अपना पेट पालने के लिए किसी चाय वाला का दुकान में जा करके वो चाय की प्लेट को धोता है और टेबल को साफ कर किस तरह से अपना पेट को पालता है। अभी भगवान ने हैं, भगवान ने अभी वो राजा ने देखा मेरा बेटा तो चला गया, बोल दिया तो मान करके चला गया। लेकिन बेटा तो बेटा होता है ना, पिता माता के स्नेह बेटे के प्रति स्वभाव की है। और पिताजी सोच रहे हैं कहाँ इतना अच्छा संपत्ति, मैं तो चाहता हूँ ये मेरा बेटा अच्छा बन जाए, ये सारी संपत्ति को यही भोग करे और राज गद्दी को यही संभाले। लेकिन बच्चा अलग हो चला गया, पिता बड़े दुखी है। लेकिन पिता भी दुखी है और बेटा भी दुखी, दोनों ही दुखी। एक दिन उसका जो मंत्री था, मंत्री ने देखा ये जो राजा गुमसुम रहता है, इसका मन में सुख नहीं है, गुमसुम रहता है। एक दिन मंत्री ने पूछा, महाराज लगता है आपका मन में खुश शांति नहीं है, आप प्रसन्न नहीं हो, क्या बात है, क्यों गुमसुम रहते हो। तो उन्होंने सारी बात बताया, मेरे एक ही बेटा था जो राज गद्दी को संभालने वाला था, लेकिन मेरी बात नहीं सुना, कभी डांट लगाया तो वो तो अभिमान कर घर छोड़ कर चला गया। अभी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है पता नहीं, और ये सारे संपत्ति को कौन भोग करेगा, इसको बाद में कौन राजा बनेगा, मैं भी बड़ा चिंतित हूँ। तो मंत्री ने कहा कोई चिंता मत कर, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटे को। ऐसे घूमते घूमते बेटे को ढूंढते 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 उन्होंने देखा वो तो चाय की दुकान में चाय की प्लेट धो रहा है और टेबल को साफ कर रहा है। बोले कहाँ राजा की बेटा, और काम क्या कर रहा है, चाय की बर्तन मल रहा है। तो उसने क्या किया, उन्होंने आकर के, उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो राजा का मैं मंत्री हूँ, उसने आकर के ना उसी दुकान में मंत्री काम करना शुरू कर दिया और उसको एकदम पूरा उसको साथ में इतना मित्रता कर दिया ना, इतने मित्रता उसको साथ में उन्होंने कर ली। उसने सोचा ये मेरे सिवाय और हाँ मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड यही है। एक दिन बात करते करते मंत्री ने कहा, बेटा ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले, तेरे घर कहाँ,
लेकिन तेरे शरीर को देख कर लगता है तो तू कोई साधारण घर का है ही नहीं लगता है। हाँ तो चेहरा बता देता ना, और बड़े सुंदर लंबे चौड़े गौरव वर्ण क्या देखते में सुंदर, तू देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, तुम्हें ये नौकरियाँ प्लेट गेम धो रहे हो क्या बात है। जब उसने पूछने लगा ना, बस रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बोले तब सारे बात बताया, बोले अमुक राजा का मैं बेटा हूँ, लेकिन एक दिन मैंने कोई गलती काम की तो पिताजी ने मेरे को डांट लगा दिए, और मैंने मान करके ना घर वाले छोड़ करके आ गया, अभी पेट पालू कैसा, इसलिए मैंने चाय की दुकान में काम करता हूँ। जब ये बात बताए इतने में तब मंत्री उस पर कह रहा है, क्या तो क्या अपना पिता के पास में जाना चाहते हो? बोले जाना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी शर्म लग रहा है, अभी मेरे को पिता क्या अपना रखेंगे पास में, है पिता क्या हमें पास में रखेंगे, इसलिए मेरे को शर्म लग रहा है। तो जब ये बात बताए तब उसने अपना परिचय दिया, मैं राजा का मंत्री हूँ, तेरे पिता तू जितने दुखी है ना पिताजी की विरह में, तेरे से ज़्यादा दुखी तेरे पिता है, इसलिए तेरे पिताजी ने ही मेरे को भेजा तेरे को लाने के लिए, हैं तेरे को लाने के लिए तेरे पिता ही मेरे को भेजा, इसलिए मैं आया हूँ। बोले पिता मेरे को ढूंढ रहे हैं, बोले बहुत ढूंढे तेरे को लेकिन मिले नहीं, लास्ट में मेरे को उन्होंने भेजे, हैं पिता चाहते तू आ जा, पिताजी की बात सुन और सारी संपत्ति का मालिक तू बन जा। बस उनको लेकर जब ले आए आनंद दिया। कहते उसी तरह यहाँ पर भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं, कहते उसी तरह कहते हम कौन हैं, कहते हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, भगवान की संतान है, जो आनंदमय रसमय प्रेममय। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम असली पिताजी को छोड़ने की वजह से ये माया में आकर के बस माया की धक्का खा रहे हैं, माया की धक्का खा रहे हैं। कभी इंसान जीवन में, कोई जानवर जीवन में, कोई पेड़ पौधा जीवन में माया के डंडे ही हमारे पर पड़ रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी 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 भोग कर रहे हैं। हाँ क्यों, असली पिता को छोड़ दिया ना, भगवान की बात नहीं सुनी। भगवान का आदेश क्या था हमारे प्रति, उनका एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जाते। भगवान कहते बेटा तू मेरे बच्चे है, तेरा एक ही कर्तव्य मेरी सेवा करना, भक्ति पूजा करना, तेरा यही कर्तव्य, और कोई कर्तव्य है ही नहीं तेरा, कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए कृष्ण क्या कहते गीता में, मन मना भव, मन को और किसको मत दो, मन मुझे ही दो, मत भक्त भव, भक्त और किसका नहीं, तुम मेरा ही बनो, माम जाजी पूजा करना तो मेरी पूजा करो, नमस्कार करना तो मुझे ही नमस्कार करो, और तू कुछ मत क्या करो, यही भगवान के आदेश है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान का आदेश को हम पालन नहीं किया है, पालन नहीं करने का नाते संसार में आ गए और ये जड़ शरीर में आबद्ध हो गए, और ये संसार के लोग हमें मिल गए, मिल करके बस इनको साथ में हिल मिल करके हम जो असली भगवान की संतान हैं, बस उसको हिल मिल के तो भूल गए, और सोच रहे हैं यही हमारी बेटा है, यही हमारी बेटी है, यही हमारे नाती पोती, यही हमारे पति है, यही हमारे पत्नी, बात असली चीज को भूल गए, नकली चीज में हम फंस गए, हम फंस गए। अब फंस करके दुख कष्ट वो कर रहे हैं, कहते वो जो मंत्री कौन है, कहते ये सदगुरु, ये मंत्री कौन है, ये सदगुरु आकर के हम समझाते हैं बेटा तुम ये दुनिया की नहीं हो, रहने वाले तो ठाकुर के पास में भगवान की चरण की, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से आए हो, चलो अपना घर में वापस चलो, अपना घर में वापस चलो। हैं कल सुन रहे थे ना स्वर की बात, कल तो सुन रहे थे स्वर की बात, स्वर कहता है वहाँ कीचड़ मिलेगा, टाटे मिलेगा वहाँ पर खाने के लिए, स्वरणी मिलेगी, ऐसे बच्चे मिलेंगे, मतलब पागल तू क्या बोल रहे हो, हैं तुम बोल रहे हो क्या, वहाँ पर तो आनंद आनंद है, अमृत पियोगे, भगवान के नामामृत पियोगे, जहाँ पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं दुख कष्ट, जहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद वहाँ पर है, चलो वहाँ पर। बोले कैसे चलेंगे, बोले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अभी भगवान सोच रहे हैं अभी इनको मैं कैसे अपना पास में ले जा, भगवान सोच रहे हम बच्चे हैं, हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसलिए हम आगे जाकर सुनेंगे जब कोई जीव भगवान से विमुख होकर के, भगवान जब उसको पूछे बता अभी क्या करोगे, तो
तुम मेरी सेवा करोगे ना माया की सेवा करोगी। लेकिन हम लोग क्या बोले, बोले तेरी सेवा नहीं, हम माया की सेवा करेंगे। हम भगवान की सेवा के लिए मना कर दिया, बोले मेरा सेवा नहीं माया की सेवा, बोले हाँ। अब भगवान से बिछड़ गए, जब बिछड़ गए अभी जीव माया के भोग करने के लिए जा रहा है, लेकिन माया डंडा ही पड़ रहा है, डंडा के बगैर संसार में तो कुछ है ही नहीं, वो डंडा ही डंडा खा रहा है। लेकिन जब डंडा ही डंडा खा रहा है, अभी भगवान हमारे पीछे 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 भगवान चल रहे हैं, ठाकुर जी भगवान चल रहे हैं। भगवान कहे तो बेटा एक बार मेरी तरफ तो झांक कर देख, तू मेरी तरफ में देख ही नहीं रहे, तू माया की तरफ में देखते जा रही हूँ। अरे एक बार तो मोड़ करके मेरे तरफ में देख, तब तो मैं हाथ पकड़ करके ले आऊंगा। इसलिए भगवान बड़े दुखी होकर के रो रो करके हमारे पीछे 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 ठाकुर जी भाग रहे हैं। एक बार मेरे तरफ में देख ले, बस उसको पकड़ कर मैं अपना पास में उसको ले आऊंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, ये हम लोगों को कैसे धीरे धीरे ठाकुर जी अपना पास में ले जाएंगे। देखे उन्होंने देखा मायाबद्ध जीव चीत प्रवृत्ति से वंचित हो गया। हम लोग मायाबद्ध जीव चीत प्रवृत्ति मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम करना, इससे हम लोग वंचित हो गए। आप उसका मंगल किस प्रकार होगा, भगवान सोच रहे हमारी मंगल कैसे होगा, हमारी कल्याण कैसे होगा। इसलिए माया मुग्ध जीव में कृष्ण स्मृति के उदित होने का उपाय क्या हो सकता है। भगवान सोच रहे हैं अभी तो पूरा हम माया में पड़ गए, माया में पड़ गए, जो माया में पड़ गए अभी उनकी कृष्ण जो स्मृति है उसको होने का उपाय क्या है, इनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे मेरे तरफ में कैसे हो सकता है। भगवान सोच रहे कि वो पिता है, वो तो कभी बच्चों का दुख तो देख नहीं सकते पिता, इसलिए वो सोच रहे कि धीरे धीरे मेरे पास में कैसे आएगा, भगवान सोच रहे हैं। इसलिए भगवान ने देखा साधु संग होने से जीव अपने को कृष्णदास समझ सकता है। ये कैसे समझेगा कि हम भगवान का दास है, केवल साधु संग से, साधु संग के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं। इसलिए जब हनुमान और विभीषण मिले तब विभीषण क्या कहता है, आज मय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। कहते जो रघुवीर मय अनुग्रह की तो मई दर्श दिन लगता है, आज मेरे ऊपर में प्रभु राम का भी कृपा हो गई, तब आज फिर हमें आप भगवान के सबसे प्यारे हनुमान जी का हमें दर्शन हुआ है। कैसे अपने आप को समझेगा हम भगवान का दास, केवल साधु संग, और किसके द्वारा नहीं समझ सकता। ये चीज कौन सोच रहे हैं, भगवान ही समझ सोच रहे हैं इसी समय। किंतु साधु संग के लिए कोई निर्दिष्ट विधि नहीं है। अभी जो साधु संग जीव प्राप्त करेगा, अभी जीव कैसे साधु संग मिलेगा, उसको साधु संग उसको कैसे मिलेगा। अतः इसकी आशा में इसकी आशा भी कैसे की जा सकती है कि वो सबके लिए संभव या सुलभ होगा। अतः साधारण लोगों के लिए कोई विधि मार्ग न होने से उसका कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं अभी जीव का साधु संग कैसे हो सकता है, प्रभु ये चीज को समझ करके कैसे सुलभ होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, साधारण लोग के लिए कोई एक मार्ग होनी चाहिए। जैसे बद्ध जीव साधारण जीव संसार में भटक रहे हैं, अभी साधु संग मिलेगा कैसे, उसके लिए कुछ क्या होनी चाहिए, कोई जो विधि मार्ग होनी चाहिए, तभी इनका कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, ऐसे करके उन्होंने ये शास्त्र ग्रंथ को जगत में प्रकट किया। ये शास्त्र ग्रंथ को जगत में भगवान ने प्रकट किया। इसलिए भागवत तत्व में बताया कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्टा दिशा मेष पुराण अर्थ अगुना। कहते भगवान भागवत ग्रंथ रूप में क्यों प्रकट हुए, बोले कृष्ण सुधाम उपगते, जब भगवान ये संसार छोड़कर चले गए, अभी जीव का कल्याण कैसे होगा, भगवान तो चले गए हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमारे कल्याण करने के लिए हैं, कहते कलो नष्टा दृष्टा में सब, कलयुग का जीव का जो बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, नष्ट बुद्धि है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जीव को कल्याण करने के लिए उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी, ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी जगत में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते उन्होंने ही ऐसे कृपा शास्त्र दृष्टि से उदित हुआ, कहते आर्य हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत शास्त्र सूर्य उदित होकर के सर्वसाधारण के लिए सब प्रकार की आज्ञा विधियों का प्रचार किया। जैसे श्री व्यास देव का हृदय में है
यद भक्ति योगेन सम्यक प्रणयितमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मयांच तथापासे। जब नारद उनको दिव्य ज्ञान देकर चले गए तब उन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ होने पर क्या हुआ, उनका हृदय में उनने सारे वेद पुराण उनके हृदय में प्रकट हुआ और उन्होंने कहते ये आर्य हृदय हैं, कहते आर्य हृदय रूपी आकाश में हैं, जैसे व्यास देव इनके हृदय में जितना वेद को विभाजन किया, उपनिषद रचना की, ब्रह्मसूत्र पुराण भागवत भगवद गीता महाभारत इन्होंने सब ग्रंथों को उन्होंने रचना की। जब रचना की, जब ये ग्रंथों को धीरे 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 जीव पढ़ते हैं, फिर जीव को पता कैसे चलता है। जैसे हमारे गांव में अभी तो ये सब टीवी फीवी स्मार्टफोन आ करके सब बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जैसे गांव में हम भी थे एक गाँव हरे कृष्णा बिगाड़ेंगे दोस्तों, इसलिए उन्होंने हमारे जो हम जो गांव में थे जैसे टीवी फीवी स्मार्टफोन कुछ नहीं होता था हमारे गाँव में, मतलब हम लोग कैसे धीरे धीरे भक्ति में आए। हमारे गाँव में ना शाम का समय में गांव के जो जितने बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे हो करके एक व्यक्ति जैसे रामायण हो भागवत हो महाभारत हो उसको पढ़ता था और वहाँ पर लोग वहाँ पर चबूतरा होता था गांव में, सब लोग बैठ करके उसको सुनते थे हमारे गांव में हैं, सब लोग बैठ करके, मैं भी छोटा बच्चा था, मैं भी वहाँ पर बैठ करके सुनता था। सुनते सुनते अगर गीता पढ़ेगे रामायण पढ़ेगे भागवत पढ़ेगे वहाँ पर एक ही बात बताएगा, जीवन दुर्लभ शरीर मिला बारंबार ठाकुर जी देते नहीं, इसी जीवन में प्रभु को पा सकते हो, मातृगर्भ में हर जीव भगवान से कसम खा कर आया, वह प्रभु तेरा भजन करूंगा, संसार में आकर के भूल गया, फिर संसार में भटक रहा है साधु संत, यही जो बात गीता भागवत पुराण में तो यही बात है ना। जब फिर जीव हम जब बचपन में हमारी भक्ति कैसे हुई, हम लोग ऐसे कथा सुनते फिर हमारे स्कूल जो टीचर होते थे पहले उल्टा पुलटा तो कथा नहीं सुनाते थे, हमारे जो टीचर लोग होते थे ये क्या करते थे, रामायण सुनाते थे हम लोग को, कैसे वाल्मीकि तपस्या कैसे की, कैसे पहले दशरथना कर की, नारद से कैसे मिले, बोले राम बोलो बोल नहीं पाए, बोले मरा बोलो, अरे वो बैठ करके मरा मरा मरा, जो हम बचपन में सुनते थे। और प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, बोले मेरा भगवान कण कण में, कहते खंभे में क्या है, बास मुष्टिका घात मारता था, ऐसे वो कथा सुनाते थे रामायण भागवत ऐसे वो सुनाते थे। अभी ये सब कथा हम लोग सुनते क्या हुआ, बचपन से ही वो स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति हो गया, अपने आप हो गया। इसलिए भगवान श्री क्या किया, जिनका धीरे धीरे कल्याण कैसे हो, इसलिए भगवान ने क्या किया, ये गीता रामायण भागवत उन्होंने रचना की। रचना करके उन्होंने जब ये गीता रामायण भागवत को ग्रंथ पढ़ेंगे अपने आप ज्ञान उदय होगा, पता चलेगा भैया हम शरीर नहीं हम आत्मा। मेरे शिष्य है दो पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रहते, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर ब्रिजबेन वहाँ पर दो पति पत्नी रहते हैं, कहते उसका जो बेटा है वो जो बेटा मतलब वो बचपन से यार दोस्त में रहकर, पहले पिता माता भी तो भक्ति नहीं थे, उनने मांस खाना मदिरा पीना यही सब करता था, यही सब करते करते पहले पिता माता के पास में रहता था, पिता माता के पास में रहता था, अभी वो अलग रहकर रह रहा है, लेकिन किसी तरह से उनको कोई भक्ति का ग्रंथ सब मिला तो उसने ग्रंथ को पढ़ा। जब ग्रंथ ये भोग भी एक लिमिटेड समय तक है, मदिरा पीना मांस खाना ये थोड़ी समय तक रहता है, लेकिन ये जगत का जो भोग भी ज़्यादा दिन आनंद नहीं देता है, वो भोग भी ज़्यादा दिन आनंद उसको नहीं देता है, देखने के लिए तो लगता है ऊपर आनंद है, कुछ दिन बाद वो भी नफरत हो जाती कोई भी भोग जगत में, क्योंकि ये इंद्रिया हमारे लिमिटेड है। पता नहीं कोई ग्रंथ पढ़े तो उसको अपने आप प्रभु का प्रति रुचि हुई, अपने आप उसका प्रभु का प्रति रुचि हुई। अभी भगवान के बारे में सुनकर कथा बोल कर रोता है, उसको पिता माता मेरे को फोन किया, बोले पता नहीं मेरे बेटा का मन इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया, हमसे जब थोड़ी सी अलग गया पता नहीं उसका मन कैसे परिवर्तन हो गया, ग्रंथ शास्त्र पढ़ता है, हम सोच रहे हैं उसको भगवद गीता और भागवत ग्रंथ देंगे, वो ग्रंथ को पढ़े। इसलिए जब उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़ा, भक्ति की ग्रंथ पढ़ा, मेडिटेशन की ग्रंथ पढ़ा, उसको बड़ा शांति मिली, बड़ी आनंद उसको मिली। अब वो धीरे 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 भक्ति राज्य में वो आना चाहता है, इसलिए उनको पिता माता जी कल मेरे पास में फोन किए, मेरे बेटा का पता नहीं हठात कैसे मन इतने परिवर्तन कैसे हुआ, कहते भगवान की कथा का नाम लेते ही रोने लग जाता है।
हैं, रोने लग जाता है। इसलिए भगवान ये ग्रंथ पुराण इसलिए सृष्टि किया, जब ये ग्रंथ पुराण शास्त्र को हम सुनेंगे फिर धीरे 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 हमारे जो मन फिर भगवान की तरफ में जाने लगा, जैसे पढ़ेंगे जैसे सोचेंगे मन भी धीरे धीरे उस तरफ में मन भी जाने लगेगा। इसलिए भगवान ने क्या क्या ये वेद पुराण ग्रंथ बनाए, इसके लिए हमारी कल्याण के लिए बनाए हैं। जैसे अभी देखो अगर हमारे गोस्वामी लोग ये ग्रंथ नहीं लिखते तो हम बैठ कर क्या करते, बैठ कर क्या करते, फिर बैठ कर दुनिया की बात करते। यहाँ पर आकर के जो एक घंटा हम कथा सुनते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, अगर संत लोग लिखे तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं, अगर नहीं लिखते तो हम फिर की पढ़ते कि हमारा ज्ञान कैसे होता। इसलिए जीव को धीरे 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 कैसे प्रभु की भक्ति मार्ग में ले जाया जाए, इसलिए हमारे सारे गोस्वामी लोग व्यास देव ने इस सब ग्रंथ को हमें रचना की हमारी कल्याण करने का। ठीक है, वंशाकृपा पतितानं पावने वैष्णव।